For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. This is your host and those Jyoti Nahak. Well guys, Salman Khan Katrina Kaif ki film Bharat bahut jald aane wali hai. Ye to main kafi baar bol chuki hu aur bahut log comment section mein aisa likhte bhi hain ki main bahut super excited hu. Of course hu kyunki Salman Khan jo bhi lekar aate hai wo dhamakedar hota hai. Well, aaj Salman lekar aaye hain apne saath saath Katrina Kaif और उनका दोनों का एक सॉन्ग जिसका नाम है चाशनी. जी हाँ, चाशनी सॉन्ग आज फाइनली आउट हो चुका है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि सलमान कटरीना की जोड़ी नजर आने वाली है. वेल, यहाँ पर मैं आई हूँ ऑडियंस का रिएक्शन लेने के लिए, यानी कि आमची मुंबई की राय जानने के लिए कि उनको कितनी पसंद आई ये गाना, उनको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ सलमान कटरीना की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है. तो चलिए जानते हैं ऑडियंस से कि सलमान ने कितनी मिठास घोली है इस गाने से ऑडियंस के दिलों में. हेलो सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा. कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको सलमान खान और कटरीना कैफ का सॉन्ग? क्योंकि ये मच अवेटेड सॉन्ग था, मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ऑडियंस इस गाने के लिए, सलमान और कटरीना को एक साथ देखने के लिए इतने टाइम बाद. तो आपको कितना पसंद आया सॉन्ग? देखो, मैं तब से ऐसे गाने का वेट कर रहा हूँ. जब मैंने लास्ट टाइम सुल्तान में गाना सुना था जग घूमिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार जग फिर से घूमेगा और जग घूम गया. इस बार चाशनी बन के आया है सलमान ने. आई एम सो हैप्पी और मैं कई बार सुन चुका हूँ. साथ में जो एक बहुत शानदार कलाकार हैं इसमें कटरीना, तो एक तो इतनी हॉट सेक्सी है, उसके पास जो उसमें मेलोडियस जुड़ जाती है, मतलब समझ ही सकते हो फील किस लेवल तक जाता है, मीठापन जुड़ा है. चाशनी सॉन्ग देख के जलेबी खाने का मन हो गया. तो कितना ज़्यादा पसंद आया सॉन्ग आपको? तो चाशनी सॉन्ग मतलब कटरीना कैफ, माशाल्लाह सलमान से बड़ा फैन मैं कटरीना कैफ का हूँ. मतलब भाई मुझे हम पीटेंगे बट ठीक है, बट कटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती है. एंड ये जो सॉन्ग है चाशनी सॉन्ग देख के एक और सॉन्ग की याद दिलाता है, जो है दिल दिया गल्ला. बिकॉज वो भी उतना ही रोमांटिक था एंड काफ़ी अच्छा सॉन्ग था विजुअल वाइज भी. एंड ये सॉन्ग भी वैसा ही दिख रहा है. एंड जो कटरीना कैफ पिंक साड़ी पहन के आती है, माशाल्लाह मतलब बहुत खूबसूरत दिख रही है. एंड वो जैसे धीरे धीरे जलेबी खाती है, मतलब वही जलेबी का टुकड़ा हमें खाने का मन करता है ऐसा. सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, इवन मैंने सुना भी तो सॉन्ग बहुत ही अच्छा. पर ठीक है, वो सॉन्ग ठीक अच्छा है, चल जाएगा बॉलीवुड में, वो क्रेज़ वो पब्लिक क्रेज बनेगा सोशल मीडिया पे, उससे उसका सॉन्ग चल जाएगा, मतलब व्यूज आ जाएगा. आई लव दैट सॉन्ग बिकॉज सलमान खान एक्टिंग इज़ वेरी गुड. आई लव दैट सलमान खान एंड दैट सॉन्ग इज़ बेटर, बट मोर सॉन्ग इज दे कैन मेक बेटर देन इफ दे ट्राई मोर. एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड दैट सलमान भाई का एक नया मूवी आ रहा है, जो भारत जो मतलब लाइक द फर्स्ट लाइक व्हेन आई सॉ द ट्रेलर नो इज जस्ट ऑसम. बिकॉज उसके एक एक लुक लाइक पागल हो जा रहा हूँ मैं तो. बींग सलमान फैन फ्रॉम लाइक फ्रॉम तेरे नाम आई गॉट एडिक्टेड टू हिम फ्रॉम दैट टाइम टिल लाइक कैरिंग फॉरवर्ड टिल नाउ. सो भरत लाइक फिल्म फ्रॉम सो मेनी डेज आई एम जस्ट वेटिंग एंड वंस अगेन कैट इज एडेड इन दैट कैटरीना कैफ. सो रियली लाइक वेरी एक्साइटेड ऑल विजुअल्स एंड इवन लाइक सलमान एवरी डे इज आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग इज बिकमिंग यंगर डे बाई डे. And at this film is like the trailer when it came, no, especially at the time of election when India is going, the title, you know, it gives a like emotional, see, you can see my all goosebumps. The title itself, that is the charm of Salman. बहुत romantic है, retro look दिया है, combination अच्छा है और most probably I think so ये hit होगा ही होगा. ओके, सो लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी कि अपनी तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सलमान खान को या फिर भारत फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है, बिकॉज ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना हुआ है थ्रू आउट, क्योंकि ईद पर फिल्म आ रही है और लास्ट ईयर जो फिल्म आई थी रेस 3 उसके डिबैकल के बाद से एक सडन यू नो प्रेशर आ चुका है सलमान खान पर भी और SKF पर भी कि ये फिल्म हिट होनी चाहिए. तो आपको लगता है ये फिल्म डेफिनेटली रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये फिल्म हिट होनी चाहिए? मैं सिर्फ आपसे एडवाइस करूंगा, अगर आप भी सलमान की बहुत बड़ी फैन है तो कृपया करके मतलब अपने इंटरव्यूज में रेस 3 का नाम मत लो, अदरवाइज ये पिक्चर को भी बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा. बट सलमान भाई को दुआओं की और विशेष की ज़रूरत नहीं है, भाई भाई है, भाई फिर से एक बार हिट होंगे, एक आध बार ऐसा बोल्ड हो सकता है कोई ना कोई. क्या फिल्म्स को लेके लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है, जैसे लास्ट टाइम भी थी लेकिन उतना नहीं धमाल मचा पाई. सो इस बार लोगों को एक्सपेक्टेशन है और प्लस वो ईद पे आ रही है, तो बस ये हो कि इस बार अच्छी रहे, मतलब लोग देखने जाएं तो वो होपफुली एज अ फेस्टिवल के दिन हो रही तो लोग मतलब उदास ना हो, वो जो मूवी देखने जा रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले. बेसिकली लाइक व्हाट यू कॉल द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई गिव दैट दे वो शुड हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप सलमान एंड कैटरीना कैफ, विच बाई यू नो बाई हार्ट आई प्रे टू गॉड. उनके दोनों की दोस्ती जो मोहब्बत है दोनों की वैसी बरकरार है ऑन स्क्रीन, जो दिख रहा है ऑफ स्क्रीन पता नहीं, वो दोनों को पता है. और मैसेज क्या है लाइक व्हाट यू सेड मैसेज एनीथिंग यू वांट टू से टू सलमान और द फिल्म भारत फिल्म? नो आई ऑब्वियसली आई विश एंड प्रे आल्सो दिस फिल्म इज
he should break the record of his earlier film. That's it. No, dusra koi sawal hi paida nahi hota. ना इट्स एन गुड फिल्म. मोस्टली उन्होंने अपने भारत देश के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए फिल्म निकाली है, तो आई थिंक सो इट कैन बी हिट एंड ऑल द बेस्ट सलमान. ओके, सो अगर मैं लास्टली बोलना चाहूँ यू नो कि कोई स्टार्स देना चाहेंगे आप इस सॉन्ग को, आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4.5. तो देखा आपने ऑडियंस को कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है, हर कोई इस गाने के लिए सुपर एक्साइटेड है. हालांकि कुछ लोग शायद नहीं भी हैं, लेकिन 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 फिल्म के लिए तो सभी बहुत एक्साइटेड है और गाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. लेकिन आप लोग को कितना पसंद आ रहा है? मैंने तो बता दिया मुझे पसंद आया है, ऑडियंस ने भी बता दिया पसंद आया, लेकिन आप यानी कि व्यूअर्स, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि गाना कितना पसंद आ रहा है. और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉमेंट ज़रूर करें. और हाँ, कुछ लोग ये भी लिखते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि मैं हाथ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा देती हूँ, बट ठीक है यार, ये इंडिया, यहाँ पर सब कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है. सो इट्स ओके. एंड प्लीज़ वीडियो नीचे जाके कॉमेंट ज़रूर करो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल मूवीज़ अड्डा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.